सरफेस साफ करते रहना चाहिए। लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि इसके अलावा वो एरोसॉल भी है कि जो वायरस के पार्टिकल हैं वो छोटे लेस देन 5 माइक्रोन साइज में भी हवा में आ जाते हैं और वो हवा में काफ़ी देर तक रहते हैं, एकदम नीचे नहीं गिरते। इसका ये मतलब हुआ कि अगर एक बंद कमरा है जहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और वो खांसता है, तो खांसने पे कुछ हद तक उसके वायरस के पार्टिकल्स हवा में रहेंगे, और अगर उस कमरे से बाहर भी चले जाए और उसके बाद कोई और व्यक्ति आए तो वो भी अफेक्ट हो सकता है। दोनों आपस में दोनों का संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि वायरस कुछ देर तक हवा में रह सकता है, तो अगर उस दूसरे व्यक्ति ने भी ठीक से मास्क नहीं डाला हुआ हो और उसको लगे कि मैं अब अकेला ही इस कमरे में हूँ तो मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप अकेले में हैं और आप किसी ऑफिस में हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे और व्यक्ति भी होते हैं और जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो मास्क जरूर लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर के अंदर ही हैं जहाँ पे आप ही अकेले रहते हैं या घर और सदस्य नहीं है, तो आप मास्क उतार सकते हैं। दूसरा ये है कि जहाँ पर भी आप हैं, घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, घर ऑफिस में हो या घर के अंदर हो, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। अपनी खिड़कियां खुली रखें, दरवाजे खुले रखें, जिससे हवा आती रहे, क्रॉस होती रहे। इसलिए हवा में अगर वायरस भी है तो एकदम बाहर चले जाएगा और बाहर की जो गर्मी है या धूप है उसमें वायरस एकदम मर जाएगा। तो कुछ हद तक ये माना जा रहा है कि अगर एरोसॉल है तो हमें मास्किंग जो है वो और अच्छी करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास N95 मास्क है, अगर हम N95 मास्क यूज कर रहे हैं जैसे डॉक्टर यूज करते हैं, तो सिंगल मास्क भी ठीक रहता है। लेकिन ये जरूरी है कि वो मास्क आपके नाक में और चेहरे में अच्छी तरह से फिट हो, जिससे ना मास्क के साइड से हवा अंदर ना आए। अगर आपके पास N95 मास्क नहीं है तो आप दो मास्क लगा सकते हो। एक तो आम जो सर्जिकल मास्क है, ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, वो आप पहले अपने चेहरे पहले लगाएं और उसके ऊपर कपड़े का मास्क लगा सकते हो। और फिर भी ये ध्यान रखें कि मास्क आपके चेहरे, नाक और चेहरे के अराउंड टाइटली फिटेड है, जिससे हवा साइड से ना आए।